तो हे फ्रेशर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा। एंड यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि एक न्यू चैलेंज आ चुका है जिसका नाम है पेंटर वार्डन चैलेंज। एंड गाइस, आज जो है इस वाले बेस में करेंगे, बहुत ही ईजी वे में 3 स्टार निकालेंगे गाइस। ओके, तो यहाँ पर रिंग बेस है भाई पूरा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जितने बंदे चैनल पर न्यू है, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले, और वीडियो अगर अच्छी लग रही तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दो। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा जूम करना है। एंड यहाँ पर जो दो लांटेन दिख रहा होगा, यहाँ पर एक रून को ड्रॉप करके एक्टिवेट कर देना है सारे ट्रैप्स को। एंड उसके बाद गाइस वार्डन आएगा, एंड पीछे से गाइस हीवर्स को डालना है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आप लोग को दो रूनस को कुछ इस तरह से ड्रॉप करना है, क्योंकि यहाँ पर हिडन टेस्ल आए गाइस। एंड यहाँ पर अब हम लोग वार्डन के ऊपर एक रेज डालेंगे, ठीक है। एंड पॉइजन टावर भी एक्टिवेट हो चुका है, तो बहुत ही अच्छी बात है हम लोग के लिए। हालांकि रूनस के ऊपर होना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलो और अच्छा होगा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि कैनन भी डाउन हो चुका है। एंड यहाँ पर एक हमने वॉल ब्रेकर को डाल के ये रेज टावर को एक्टिवेट कर देना है, ठीक है आप लोग को। एंड उसके बाद वार्डन तब तक यहाँ पर ईगल डाउन कर देगा। एंड अब वार्डन को कोई ज़रूरत नहीं है रेज चार्ज करने की, ठीक है। तो उसके बाद गाइज और एक यहाँ पर वॉल ब्रेकर तब तक डाल देते हैं। एंड अब जो है सीज बैरक्स को गाइज यहाँ से डिप्लॉय कर देते हैं, क्योंकि रेज टावर का पावर खत्म हो चुका है। तब अब हम लोग सीज बैरक्स को यहाँ से डाल दिए। एंड उसके बाद गाइज आप लोग को सारे के सारे आर्मीज को यहाँ से ड्रॉप करना है, दोनों आइस गिजम सुपर बॉलर्स, एंड यहाँ से इलेक्ट्रो टाइटन, एंड एक वॉल ब्रेकर को भी आप लोग को डिप्लॉय करके देना है। एंड यहाँ से वॉल ओपन हो जाएगा, तो गाइज आप लोग को शुरुआत में ही एक रेज को डालना है। एंड यहाँ से अब हम लोग स्केलेटन को डालेंगे, एंड यहाँ पर पॉइजन मार देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप थोड़ा सा पहले भी कर लेना स्केलेटन वाला। एंड अब जो है और एक रेज डालेंगे कोर के ऊपर, एंड अब जाके वार्डन की एबिलिटी को टैप करना है। जैसे ही टाउन हॉल फूटेगा भाई, उसके बाद आप लोग को वार्डन की एबिलिटी को टैप कर देना है। एंड और एक लास्ट रेज बचा हुआ है, जो कि हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। एंड सारे ट्रूप्स आ जाएंगे रेज के अंदर। एंड यहाँ से देख सकते हैं कि सीसी भी है जो बाहर आ चुके हैं, एंड उसमें भी येटीज थे। एंड अब जो है अभी भी हमारे पास 2 फ्रिज स्पेल बचे हुए हैं। एंड आई थिंक मुझे तो नहीं लग रहा कहीं डालने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी देख सकते हैं हमारी आर्मी पूरी की पूरी जिंदी है गाइज। लेकिन यहाँ पर अब हमने यहाँ पर डाल दिया है स्कैटर, और जो ये मल्टी टारगेट इन्फर्नो था, क्योंकि हमारे वार्डन को पकड़ गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। एंड यहाँ पर फिर से अगेन हिट कर रहा है भाई स्कैटर को, तो मैंने सोचा कि बचा लूँगा वार्डन को, लेकिन मर गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं डालता तो भी भाई ये बेस इजली 3 स्टार हो जाता। देखो यहाँ पर कितने सारे ट्रूप्स है भाई। तो इस तरह से मेथड को आप लोग यूज़ करें, एंड बहुत ही ईजी मेथड में भाई हो जाएगा 3 स्टार। एंड आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा गाइज आप लोग को अगले वीडियो में। तब तक गाइज जय हिंद।